खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने डेटा जारी किया है। डेटा के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 तक पहुंच गया है। दिल्ली के रोहिणी और जहांगीरपुरी में वायु प्रदूषण के स्तर पर भारी बढ़त देखी गई है। सफर के पूर्वानुमान के अनुसार इस समय हवा सामान्य बनी हुई है। मुख्य प्रदूषक पीएम 10 है। साउथ वेस्ट मानसून पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जा चुका है। अगले कुछ दिन पूरी तरह ठंडे रहेंगे। हवाओं का रुख अब वेस्ट साउथ हो गया है। हालांकि शुक्रवार को AQI में हल्की गिरावट आई। इसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को हवा का स्तर और ज्यादा खराब हो गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा अब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुवार को हवाओं की स्पीड अच्छी रही, जिसकी वजह से AQI महज 161 रहा। हालांकि सफर ने कहा है कि मॉनसून के देरी से विदा होने की वजह से दिल्ली की हवा पर नकारात्मक असर पड़ेगा और अक्टूबर के दूसरे ही हफ्ते में प्रदूषण बढ़ता हुआ महसूस होने लगेगा। तो प्रदूषण की जद में दिल्ली अब बहुत जल्द। अनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है ज्यादा बातचीत के लिए। अनुश्री, जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली में जो पॉल्यूशन है धीरे धीरे अब बढ़ने की कगार पर है, लेकिन इन सब के बीच हर साल इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो हम देखते ही हैं। तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से और ताज़ा क्या है AQI? जी बिल्कुल अंशिका, हर साल हम देखते हैं कि पराली के वजह से प्रदूषण की जो समस्या है वो दिल्ली NCR उसके आसपास के प्रदेशों में खासकर देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि हर साल सितंबर में ये पराली जलाने का जो ये घटनाएं हैं वो शुरू होती हैं। पिछले साल 25 से 30 सितंबर के बीच में 31 क्या कहते हैं पराली जलाने की घटनाएँ सामने आई थी, जो कि इस बार बढ़कर 5 गुना बढ़कर 175 हो गई हैं। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस बार का जो जारी किया गया है पॉल्यूशन कमेटी की तरफ से वो काफी ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले पर्यावरण मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बाकी 5 जो दिल्ली NCR से और दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य उन सभी के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ये निकल कर आया था, इस बैठक का निष्कर्ष ये था कि शोध किया है पूसा इंस्टीट्यूट ने और उस शोध के हिसाब से पराली जलाने का जो इस बार की प्रक्रिया उसको किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो हमारा पॉल्यूशन जो था जो कम हुआ था वो अब आकर तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि पराली की घटनाएं अचानक से तेजी से जो बढ़ी हैं उसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास की एयर क्वालिटी जो है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। यानी कि आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया कि 206 तक पहुंच गई और 206 को माना जाता है कि वो अनहेल्दी है सांस लेने के लिए एयर क्वालिटी। बिल्कुल, और इसके साथ ही अब कुछ ही महीनों में ठंड भी यहाँ पर देखी जाएगी और साफ तौर पर फॉग जो है वैसी स्थिति पैदा होगी और ऐसे में पोल्यूशन का ज़्यादा बढ़ना दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। ऐसे में पहले से ही एहतियात बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो प्री कहा जाता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल, उसे शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब आ गई है। जी बिल्कुल, पराली से फैलने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने की ज़रूरत हमें बहुत पहले से है, लेकिन अक्सर किसानों को ये कहते हुए सुना गया है कि उनके पास इनफ संसाधन नहीं है, इनफ पैसा नहीं है कि वो पराली जलाने के बाकी जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार पर्यावरण मंत्री ने जो बैठक की है उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी और जो प्रदूषण की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बता दूं कि इस बार जो पराली की घटनाएं हैं वो 5 गुना बढ़ी हैं। जो लॉकडाउन में एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई थी वो अचानक से जिस तरह से खराब हुई है, अगर सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले समय में एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी जितनी पिछले साल हुआ करती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्री तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण जिस तरीके से देखा जा रहा है एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान भी बहुत जल्द निकाला जाएगा। एहतियात बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, पहले से ज़्यादा बढ़े हैं और इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है। कुछ ही समय में ठंड की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में फॉग और साथ ही साथ लगातार इस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।